हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्वीट मनीषा लाइफस्टाइल। और ये देखिए मनीषा क्या कर रही है। मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो सुबह का टाइम है और मनीषा कर रही है नाश्ते की तैयारी। ये बना रही है वो समोसे, ये है आलू के चिप्स और ये है चाय। हमारे घर पे आज आए हुए हैं गेस्ट, हमारे मामा मामी। ये है हमारी मामी, हमारी छोटी मामी। और ये रहे हमारे मामा जी, हाय बाय बाय। और ये रहा उनका बेटा। हमारी मामी जी भी बहुत जल्द YouTube पे अपना एक चैनल बनाने वाली है, तो मैं उनका चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाश्ता रेडी हो रहा है और देखिए अब हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। तो आप लोगों में से जिस चीज़ का मन कर रहा हो, ये चिप्स मैंने घर पे ही बनाया है। इसका मैं आलू भी सस्ते है, उस दिन जो मैं लाई थी मार्केट से आलू, आप लोगों ने देखा था, आलू के चिप्स है। और देखिए कितना बढ़िया चिप्स बना, ये बन रही है चाय। तो जिस जिसको नाश्ता करना हो आ जाइए घर पे, साथ में करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता तैयार है और सब लोग नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। ये रही हमारी मम्मी जी, ये रहा अंशु, और ये रही मामी जी, मामा जी, ये रही प्रीति, और ये उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं। देखिए ये है निधि, और उसकी बड़ी बहन बाहर चली गई। हाय बोलो। अंशु तो हाय बोलता है। हाय। हेलो दोस्तों। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अंशु खा रहा है टॉफी, और ये है अंशु की मौसी, छोटी मौसी, और ये है बड़ी मौसी, इसका नाम है मिठी। मिठी हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो। हाय। और ये है अंशु की बड़ी मौसी, जिसका पैर फ्रैक्चर हो रखा है। देखिए ये लोग लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। अंशु शैतानी नहीं बिल्कुल भी, उसको देखने दे थोड़ी देर बेटा। ये किस चीज का साग है मम्मी? बथुआ। तो देखिए आज बथुआ साग बनने वाला है, और देखते हैं मनीषा क्या कर रही है। मनीषा क्या कर रही हो? खाने की तैयारी। ये देखिए ये है मिक्स दाल, और इधर दूध उबल रहा है। तो मनीषा कुछ बोलो, लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई कितनी देर में खाना बन जाएगा। खाना बन जाएगा, फिर खाएंगे, फिर देखते हैं शाम को हम कहाँ जाते हैं घूमने। आज कहाँ घुमा रही हो? अभी खाना खाने के बाद देखो क्या डिसाइड होता है। आइए आपको दिखाते हैं मामा मामी क्या कर रहे हैं। ये देखिए रूम में सब बच्चे बैठे हैं। ये है हमारी चाची, ये बैठे हैं मामा मामी। मामी तैयार हो गई हैं नहा धो के, और ये अंशु अपने दोस्तों के साथ बैठ के मोबाइल में कार्टून देख रहा है। कार्टून देख रहा है। तो दोस्तों हम लोग दोपहर का लंच कर रहे हैं, तो देखिए सभी लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठ के खाओ। तो नीचे जगह नहीं थी तो मामा मामी ऊपर बैठ गए, और अंशु की देखो कितनी गंदी आदत है खाना खाते टाइम इसका, ये देखो फोन चालू है। आप लोगों के भी बच्चे का ये हाल है क्या, कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो में बने रहना, देखते हैं आज और क्या क्या करते हैं। बिना मोबाइल के खाना खाना ही नहीं चाहता बिल्कुल, ये इसकी आदत कैसे छुड़ाऊं, कोई टिप्स है तो कमेंट्स में बताइएगा। ओके खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। Yeah.
खा के हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और ये देखिए तो अभी हम करेंगे कुछ। मनीषा जी क्या कर रही हैं, अपनी सिस्टर के साथ लेट कर मोबाइल देख रही हैं। और वो देखिए अंशु, हाय बोलो। हाय। हाय बोलो मनीषा, हाय बोलो। बड़ा मार्केट नहीं चलोगी क्या? चलो साथ ही शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं, तो उसके बनाने का सामान वगैरह भी लाना है, तो इसलिए हम लोग अभी मार्केट जाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। पहले मुझे बहुत सारा प्यार करो फिर जाऊंगी। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ मार्केट। उस दिन जो मैं बूफर देख के आई थी ठीक कराने के लिए, तो वो ठीक हो गया, तो मैं लेके आऊँगी। तो मामा मामी आज रुके हुए हैं, तो शाम को जो है मैं उन लोगों को पिज्ज़ा खिलाऊँगी, होममेड पिज्ज़ा, और मैं घर पे ही बनाऊँगी, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहना। तो गाइस मेरा बूफर जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ, आज ठीक करेंगे, कल ले आऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ पिज्ज़ा का सामान लेने के लिए। चुकी हूँ और हम सब लोग मिलके अभी शाम की चाय पी रहे हैं।
तो गाइस मैं पिज़्ज़ा का सामान लेके आई थी और अभी मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, तो उसकी रेसिपी मैं दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। और गाइस आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, मेरी आगे आने वाली जो पिज़्ज़ा वाली जो रेसिपी का जो वीडियो है वो आप तक जल्दी से पहुँचे। बाय एंड टेक केयर।